नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं मौजूद हूं गोहाना के औलाना शुगर मिल के बाहर, जहां पर जो है किसानों ने अपने धरने को समाप्ति की ओर समाप्ति का ऐलान किया है। तस्वीरें देख सकते हैं, मिल के अंदर जो है गन्ने से भरी ट्रेलियां पहुंच गई हैं। और क्यों समाप्त किया है, क्या कहना है किसान नेताओं का? हालांकि आज कुरुक्षेत्र में किसान नेताओं की एक पंचायत हुई थी, जिसमें गुरनाम सिंह ने फैसला लिया है कि जो किसानों का जो धरना है वो समाप्त कर दिया गया। क्या कहना, इस तरह से 7 दिन से धरना चल रहा था? नहीं, आज वहाँ कुरुक्षेत्र में मीटिंग थी हमारी, और वहाँ गुरनाम सिंह चौधरी ने फैसला लिया है कि धरने समाप्त किए जाएंगे। सरकार ने बड़ा संतुष्ट नहीं, संतुष्ट तो नहीं है। फिर हमारे किसानों में सरकार ने फूट डाल दी। कुछ किसान जैसे करनाल में है और शाहबाद में कई मिलों में किसान ट्राली लाने लग गए, उसमें किसान होगी, उसमें आपस में झगड़ा ना हो जाए, इस कारण मतलब शुगर मिल चलाने का निर्णय लिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार ने रेट बढ़ाया से जीत तो मानते हो गए अपनी? नहीं, जीत भी नहीं मानते हम, इसमें खुश नहीं, संतुष्ट नहीं है हम, इसमें कोई संतुष्ट नहीं है। और जो सरकार ने हम इसका सरकार ये गाने का हम इसमें संतुष्ट नहीं है। मजबूरी में जो हमारे किसान जिसका ज्यादा गन्ना था, उन किसानों ने अपने गन्ने के आगे गर्मी आती है, लेबर वो ज्यादा बढ़ जाएगी, इस कारण हम संतुष्ट कोई नहीं है सरकार के पैसे बदल। धरना समाप्त कर दिया? हाँ, धरना समाप्त कर दिया। और भी किसान नेता है, इनसे पूछते हैं एक बार, जिस तरह से धरना समाप्त कर दिया है इन्होंने, सोनीपत जिला के भिको के अध्यक्ष है, धरना समाप्त कर दिया है, क्या कहना, क्या फैसला हुआ? ऐसा है जी, ये एक लड़ाई चली थी किसान और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, सरकार को झुकाया नहीं, रोंदा है पैरों तले। और जो किसानों के मन में ये था भाई सरकार कुछ ज्यादा ही मदद करेगी, इतनी मेहनत देख के सरकार ने कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल एक किसान विरोधी सरकार है, लेकिन फिर भी किसानों की एकता ने उसको पैरों तले रोंदा है। संतुष्ट हो सरकार ने 10 रुपये रेट जो बढ़ाया है, कहीं ना कहीं गुरनाम ने कहा है किसानों की जीत हुई है उससे? देखो ऐसा है, इतनी तानाशाही सरकार के खिलाफ जीत भी कह सकते हैं हम, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है तो आगे क्या रहेगा? जिस तरह से आगे की रणनीति फिर आगे देखी जाएगी, जैसा भी होगा। तो फिलहाल धरना समाप्त कर? बिल्कुल, धरना समाप्त। तो भारतीय किसान यूनियन के चुनाव के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, क्या कहना है, जिस तरह से आज जो धरना चला रहा 7 दिन से उसको समाप्त कर दिया? देखिए, सब प्रदेश के सभी शुगर मिलों वालों ने जो फैसला लिया है हम उसका स्वागत ही करेंगे, लेकिन जो सरकार ने किसानों के साथ जो रवैया किया है और जो इनका अपमान किया गया है, आने वाले चुनाव में इसका बदला जरूर लिया जाएगा। तो जो घोषणाएं की थी रैली का बहिष्कार या कई और रणनीति आगे बनाई थी, उसमें क्या है बाकी? देखिए, जब समझौता ही हो गया तो फिर बहिष्कार करो, अगले प्रोग्राम तो कैंसिल अपने आप ही हैं। तो अब तो हम अपने किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे, अगर इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, विशेषकर गोहाना शुगर मिल के भाइयों ने, इन्होंने अपना कर्म किया है। गीता में भी कहा गया है कि कर्म करेजा इंसान, फल की इच्छा मत करे। इसका जो किया गया है, किसान भाइयों ने जो आंदोलन किया है, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और इसका बदला आने वाले चुनाव में जरूर लेंगे। तो कहीं ना कहीं संतुष्ट तो जो रेट बढ़ाया उससे? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी फैसला जो सर्वमान्य होता है, जो फैसला लिया गया हम उस पर मोहर लगाते हैं। चलिए, किसान अब गन्ना लेके पहुंच रहे हैं, तो कल से मिल स्टार्ट हो जाएगा उम्मीद है? नहीं, यहाँ तो ये तो 3 दिन 4 मिल चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ के क्षेत्रीय किसान भाइयों ने तो अपनी लेबर भी घर भेज दी है और यहाँ कोई गन्ना भी नहीं है, ये 3-4 दिन में चलेगा मिल, ये अभी चलने वाला नहीं है। कुरुक्षेत्र में हुई आज पंचायत के दौरान किसानों ने फैसला लिया है कि जो उनका जो धरना चला रहा था पिछले 7 दिन से, उसको समाप्त कर दिया गया है। हालांकि सरकार और किसानों में सहमति बन गई है, जिसके बाद यहां गोहाना में भी जो है किसानों ने अपना धरना जो है समाप्त कर दिया है, लेकिन किसान कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार ने 10 रुपये जरूर गन्ने का भाव बढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो भाव है वो कम है, जिससे किसानों में कहीं ना कहीं नाराजगी अब भी है। अब इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।